हेलो फ्रेंड्स, किचन एसएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल की बड़ी। ये मैंने बड़ी ली है। ये मैंने 4 टमाटर लिए, 1 ग्रीन चिली और 4-5 आलू। आलू को अच्छी तरह धो लिया था, वो छील लिया। छिलकी के बाद मैं उसे काट लिया और अच्छी तरह धो लिया। अब जो गैस रख दी, गैस ऑन कर मैंने कुकर रख दिया। इसमें मैं ऑयल डालूंगी और ऑयल डाल के फिर मैं जो मंगौड़ियाँ उन्हें तलूंगी। मूंग की दाल की मंगौड़ियाँ वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये नुकसान भी नहीं करती, क्योंकि मूंग दाल होती है जो हमारे लिए फ़ायदा करती है, उसी से बनाई जाती है। फ्रेंड देखिए, जो हमारी मंगौड़ियाँ वो तल रही हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी मंगौड़ियाँ वो फ्राई हो गई हैं। इसके लिए मैंने फ्रेंड्स मसाले लिए हैं। 1/2 स्पून हल्दी, 1 स्पून धनिया, 1 स्पून सौंफ, 2 स्पून मैंने साल्ट लिया है फॉर टेस्ट, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून जीरा और 1 पिंच हींग। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल है वो गरम हो रहा है। हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। फ्रेंड्स मैंने जीरा डाल दिया था, सारे मसाले स्पाइसेस डाल दिए, फिर मैंने ग्रीन चिली और टोमेटो डाल दिए। मैंने 5 मिनट पकने दें। फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल दिए आलू। अब हम इसमें डालेंगे मंगौड़ी, मतलब बड़ी। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा आप रखना चाहें सब्जी गाढ़ी पतली, उसके अनुसार हम पानी मिलाएंगे। मेरे फ्रेंड से 2 डोंगे पानी मिलाया है इसमें। 1/2 स्पून इसमें चिली पाउडर डालूंगी, रेड चिली पाउडर। और अब हम इसे कवर कर देंगे। फ्रेंड्स 3 मिसल बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और स्टीम निकल जाएगी, फिर हम इसे चेक करेंगे। जो मंगवानी है वो भी होममेड है। इसको सबसे पहले दाल ली थी मूंग की बन बाउल, उसको 2-3 घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया। सोक करने के बाद मैं मिक्सी में फाइन पेस्ट बना लिया और फिर छोटी छोटी तोड़ ली। इसे सूखने में 2-3 लगे और फिर इस तरह तैयार हो गई। इसे आप चाहे तो खाली भी बना सकते हैं या आलू के साथ बना सकते हैं। फ्रेंड जो मैंने थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स लिए, इसे मैं बारीक काटूंगी और काटने में अच्छी तरह धोऊंगी। धोने के बाद मैं फिर हम इसे मंगौड़ी से मैं गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स इसमें स्टीम आना स्टार्ट हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स और स्टीम निकल दे देंगे। स्टीम निकलने के बाद में सब चेक करेंगे। फ्रेंड्स स्टीम निकल गई है, अब हम इसे चेक। फ्रेंड्स देखिए, हमारी सब्जी बन गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मंगौड़ी आलू की सब्जी रेडी है। और अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको बड़ी आलू की सब्जी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।